अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक का नाम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1909 में आर ए मिलिकन ने। इसने एक ऐसी टेक्निक बताई थी कि आप इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें उसने एक आयल ड्रॉपलेट की बात की, एक ऐसा आयल ड्रॉपलेट जिसकी विस्कोसिटी नाउन थी, पता थी उसको। अब क्या हुआ, उसी ऑयल ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड करके चार्ज फाइंड किया, किस पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू था। अब इसके पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स पता होने चाहिए, देन हम इसकी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं जनाब। पार्ट्स में कहता है कॉन्टेनर है, ठीक है, टू पैरेलल प्लेट्स हैं, माइक्रोस्कोप है, सोर्स ऑफ लाइट है, पावर सप्लाई है, एटोमाइजर है, लेंस है। इस कंटेनर को हम मेटालिक चैम्बर भी कह सकते हैं। ये जो आपको पर्पल कलर की आउटलाइन नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं मेटालिक चैम्बर या फिर हम कहते हैं कंटेनर। इसमें जो आपके पास माइक्रोस्कोप है वो जनाब ड्रॉपलेट की मोशन को यानी कि डायरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जो है आयल ड्रॉपलेट को स्प्रे करने के लिए जो हम एटोमाइजर यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स भी हैं, ठीक है, उस यानी कि इलेक्ट्रोड्स हैं जिनकी वजह से क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये जो है आपके पास ये इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट नज़र आ रही है, ये टू प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी कि एक को हम कैथोड कहेंगे, एक को हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे। ये है सोर्स, ये है लेंस, ये पहली विंडो, और जनाब ये है होल जहां से आयल ड्रॉपलेट को पास होना है, उसके बाद यहां पर सारी वर्किंग होनी है। और ये जो है ये है विंडो सेकेंड वाली। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं। होगा क्या, सोर्स ऑफ लाइट से जो है लाइट एल्यूमिनेट होगी और किस पर जाएगी, इन पर, ऑयल ड्रॉपलेट्स पर। ऑयल ड्रॉपलेट कहाँ से आएंगे, आपको नज़र आ रहा है जो आपके पास ऑटोमाइज़र है इसमें क्या है, ऑयल भरा हुआ है। अच्छा, जैसे ही ऑटोमाइज़र को पंप करेंगे ना तो इट विल रिलीज ड्रॉपलेट। अब बात यह है कि ड्रॉपलेट पर चार्ज कैसे पैदा होगा। ड्रॉपलेट को हम दो तरह से चार्ज कर सकते हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जैसे ही ऑटोमाइज़र से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से इन पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है जनाब कि एक्सरे की बम्बार्डमेंट की जाएगी, जो एक्सरे ऑयल ड्रॉपलेट, किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ड्रॉपलेट में जाकर उसे आयनाइज कर देगा, यानी कि एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक नेगेटिव। क्या बताया, एक्सरे की हमने बम्बार्डमेंट की, किस पर, ऑयल ड्रॉपलेट पर। एक्सरे की बम्बार्डमेंट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, उसी इलेक्ट्रॉन ने जाकर दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट को आयनाइज करवा दिया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बदल दिया। फिर क्या हुआ, लेट से कोई एक पार्टिकल जिस पर चार्ज आ गया, आया कि वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर वो नेगेटिव चार्ज है, वो इनसे अलग होकर ऐसी ओरिएंटेशन में आता है कि वो होल में से गुजरेगा। अब यहाँ से असल वर्किंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा, जैसे ही वो होल से गुजरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को से इसको हम बैलेंस करेंगे। ये ड्रॉपलेट ग्रेविटी की वजह से मूव करेगा डाउनवर्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से इसको हम पुल करवाएंगे अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, तो ये होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसको अपवर्ड पुल करवा रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जनाब इसको डाउनवर्ड पुल करवा रही है। यहाँ पर ना एक MCQs बनता है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करें ग्रेविटी की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी, अब ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दें, यानी कि उसको भी आप डाउनवर्ड कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, तो जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी ना, वो 2 times ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। ऑनवर्ड ये कि यहाँ पर हम दो फोर्सेस को, हमने यहाँ पर दो फोर्सेस को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। बाकी नीचे जो है इसकी मैंने थ्योरी लिखी हुई है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी अगर देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, उसको आपने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है ताकि आयल ड्रॉपलेट्स को आप किसी भी डिस्टर्बेंस से क्या कर सकें, महफूज रख सकें। अच्छा, इन प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो डी है। प्लेट में होल भी था जो मैंने आपको दिखा दिया। वोल्टेज अप्लाई किया आपने प्लेट पर पावर सप्लाई की मदद से, और मैग्नीट्यूड ऑफ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E=V/D,
स्टूडेंट ये इक्वेशन वो वाला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वहाँ से भी आपको मिल सकती है। वर्किंग में वही बात मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा आप देख लें। इसमें कहते हैं ऑटोमाइजर को आप यूज़ करोगे यहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट को स्प्रे करने के लिए, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट जैसे ही नूजल से निकलेंगे तो गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको के दो तरह से चार्ज हो सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, जो चार्ज ड्रॉपलेट हैं वो वेरी स्मॉल हैं, पास हो सकते हैं अपर प्लेट में जो होल है वहाँ से। पाथ ऑफ मोशन ऑफ ड्रॉपलेट को जैसे पीछे बताया आपको, पहले हम क्या करेंगे सोर्स ऑफ लाइट से जो लेंस है, सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट है वो लेंस से पास होगी और इसको इल्यूमिनेट करेगी, जो माइक्रोस्कोप होगा वो इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी। अब हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं कि चार्ज ऑन ड्रॉपलेट को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, E इक्वल एफ ओवर क्यू नॉट, यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन निकाला एफ ई इक्वल क्यू ई। अच्छा अब हुआ क्या, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को भी देख लिया, अब ग्रेविटेशन फोर्स आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एफ इक्वल डब्ल्यू इक्वल एम जी, ये चीज़ आ गई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन को जाहिर सी बात है आपने कहा ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ मूव करवा रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नीचे की तरफ पुल करवा रही है। दोनों फोर्सेज हैं, दोनों को जो है हम क्या कर लेंगे, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, यहाँ से इक्वेशन बनी क्यू ई इक्वल एम जी। अब कहते हैं वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे ई इक्वल वी ओवर डी। ई की वैल्यू हम इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनती है क्यू वी ओवर डी इक्वल टू एम जी, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्यू फाइंड करना है, इक्वेशन को अरेंज किया क्यू इक्वल एम जी डी ओवर वी। एम क्या है, मैस है, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, डी डिस्टेंस और वी क्या है वेलोसिटी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मास भी फाइंड करना है। अच्छा उसने क्या किया, पार्टिकल को फ्रीली फॉल करने दिया, फ्रीली फॉल में उसने ये देखा कि ये बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट है, बार बार इसको जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के इक्वल कर हो जाती है, ड्रैग फोर्स जो वेट के इक्वल होने पर उसे डिस्टेंस और टाइम भी मेजर, उसने डिस्टेंस और टाइम भी मेजर किया। क्या मतलब, क्या बताया यहाँ पर आपने, क्या फाइंड करना है, मास। क्या किया आर ए मिलिकन ने, इस ड्रॉपलेट को फ्रीली फॉल करवाया और उसने ये देखा ये ड्रॉपलेट बहुत स्मॉल है, ड्रॉपलेट के स्मॉल होने की वजह से जो ड्रैग फोर्स है वो उसके वेट के बार बार इक्वल हो रही है, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि यहाँ पर उसने डिस्टेंस भी फाइंड करना है, टाइम भी फाइंड करना है, डिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा उसने टाइम भी देखना है कि अपर प्लेट से ड्रॉपलेट लोअर प्लेट तक कितनी देर में पहुँचता है। जब उसने डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड किया तो जनाब आपको क्या मिली, टर्मिनल वेलोसिटी। मास फाइंड करना है ना, आपने डिस्टेंस ऑलरेडी नोन है, आपने अब डिस्टेंस तो आपको पता है, अब आपने ये बताना है कि जो आयल ड्रॉपलेट है वो अपर प्लेट के होल से गुजरता हुआ लोअर प्लेट में आने में कितना टाइम लेगा। तो उसने जब डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड किया, यहाँ से आपको मिली टर्मिनल वेलोसिटी। क्या मिली आपको, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड की, टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होती है, जब आपके पास दो बैलेंसेज हों, यानी कि जो ड्रैग फोर्स हो वो किसके इक्वल हो, वेट के। टर्मिनल वेलोसिटी आपको कब मिलती है, जब ड्रैग फोर्स किसके इक्वल हो, वेट के। अब हम मास फाइंड करते हैं, मास ऑफ ड्रॉपलेट्स को आप मेजर करेंगे स्टोक्स लॉ, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर गालबन फाइव था, सिक्स था, सॉरी सिक्स, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज ऑफ ड्रॉपलेट फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड गेन टर्मिनल वेलोसिटी। फ्रीली फॉल मूव करवाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको उसने सप्लाई बंद कर दी थी। अच्छा अब ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर इक्वल टू इट्स वेट, ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर है। अब हम स्टोक्स लॉ की बात करते हैं, आपने अभी बताया ना टर्मिनल वेलोसिटी हमें कब फाइंड होगी, जब हमारे पास दो बैलेंसेज होंगी, यानी कि ड्रैग फोर्स बराबर होगी किसके, वेट के। तो एफ इक्वल, ये रिलेशन है स्टोक्स लॉ का, एफ इक्वल सिक्स पाई ईटा आर वी टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। जी यहाँ पर ये इक्वेशन तो आपने बार बार पढ़ी हुई, एफ इक्वल सिक्स पाई ईटा आर वी टर्मिनल, ठीक है। एफ किसके बराबर होता है, एफ इक्वल डब्ल्यू इक्वल एम जी, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, आइए देखते हैं। अच्छा यहाँ पर जो एफ था ना, आपने उसकी जगह पुट किया एम जी इक्वल सिक्स पाई ईटा आर वी टर्मिनल। अच्छा ये रिलेशन तो बहुत पहले का आपने पढ़ा हुआ है, रो इक्वल मास ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ से आपने मास निकाला, मास इक्वल रो वी निकला। ये जो आपके पास वॉल्यूम है वो जो पीछे जहाँ पर मैंने आपको बताया था ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, स्फेरिकल फॉर्म में था, इसलिए हमने ये वॉल्यूम स्फीयर का लिखा। ये है फोर ओवर थ्री पाई आर क्यूब, इसको आपने पुट किया इक्वेशन नंबर एट में, ठीक है। यहाँ से आपकी इक्वेशन बनी एम एज इट इज़, रो एज इट इज़, वी की जगह आपने लिखा फोर ओवर थ्री पाई आर क्यूब।
फिर आपने क्या किया, इसी m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में आपने सब्सिट्यूट की, ठीक है। और से देखें m की जगह क्या लिखा, ये इक्वेशन 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल, ठीक है। अच्छा अब हम रेडियस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है आर क्यूब, और यहाँ से जो है आर डिवाइड हो गया, यहाँ पर रहा 6 पाई ईटा वी टर्मिनल डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब तो निकाल दिया, 4/3 रो जी पाई, पाई से क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन अगर दोबारा देखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आर क्यूब को यहाँ से आर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया, 6 पाई ईटा वी टर्मिनल इधर ही रहा, ठीक है, 4/3 रो जी इधर रहा, पाई पाई से क्या हो गया था कैंसिल, इसकी कैंसिलेशन हुई, तो यहाँ बचा आपके पास आर स्क्वायर और 3 डिवाइड तो ऊपर चला गया। यहाँ से बाकी इक्वेशन वैसे मिली आपको, आपने अगेन इसको हल किया तो यहाँ से निकला आर स्क्वायर इक्वल 18 ईटा वी टर्मिनल ओवर 4 रो जी। फिर क्या हुआ, मजीद कैंसिलेशन हुई तो आपके पास आर की इक्वेशन निकली आर स्क्वायर इक्वल 9 ईटा वी टर्मिनल डिवाइडेड बाय 2 रो जी, दोनों तरफ आपने क्या लिया स्क्वायर रूट लिया, तो आपको इक्वेशन मिली आर इक्वल 9/2 स्क्वायर रूट ईटा वी टर्मिनल रो जी, ठीक है। ये रेडियस है, पहला काम आपने क्या किया, आपने मास फाइंड किया, उसके बाद जो है आपने किसको फाइंड किया, आपने रेडियस को फाइंड किया। अच्छा अब वो कहता है क्या हुआ, जो पीछे आपने इक्वेशन यूज़ की है क्यू इक्वल एम जी डी ओवर वी, उस इक्वेशन में जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या गेन होगा, उसने ये फाइंड किया था कि किसी भी ड्रॉपलेट पर मिनिमम चार्ज कितना है, क्यू इक्वल एम जी डी वी, इस इक्वेशन में जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू मिलेगी आपको 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कोलम। उसके बाद क्या बात करते हैं, बस हम फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुँचने लगे हैं। अच्छा मिलिकन ने फाइंड किया कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर है एलिमेंट्री पार्टिकल पर, जनाब वो जो आप अरसा कदीम से पढ़ते आ रहे हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कोलम, इट वाज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉडीज पे जितना चार्ज होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन की जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। चार्ज कितना निकला एलिमेंट्री पार्टिकल पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कोलम, ये चार्ज हमें मिला कैसे, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर गेन होगा तभी हमें चार्ज मिलता है, ठीक है। मिलिकन्स ने क्या किया, दो इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम था कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में आपने उनको वो किया था कंपेयर किया था, यानी कि मिलिकन ने दो इक्विलिब्रियम को अटेन करके दो इक्विलिब्रियम को क्रिएट करवा कर ये सारा प्रोसीजर करवाया था। पहला क्या था इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल थी ग्रेविटेशनल फोर्स के। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या था जनाब, जो ड्रैग फोर्स थी वो किसके इक्वल थी, वो वेट के इक्वल थी, ठीक है। की वजह से ये जो था मिलिकन वाला टॉपिक, मिलिकन वाला जो मेथड था, टेक्निक थी, प्रोसीजर थी, ये उसने क्या की थी, क्रिएट करवाई थी। दो इक्विलिब्रियम, एक इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर थी ग्रेविटेशनल फोर्स के और एक में ड्रैग फोर्स जो था वो किसके इक्वल था, वेट के, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आपने क्या करना है, जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं आप वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये साथ साथ अगर आप सॉल्व करके इसको प्रूव करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने थ्योरी को मिस बिल्कुल नहीं करना कि आप सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स लिखें और थ्योरी ना लिखें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा अब ना इससे रेलिवेंट अगर कोई एग्जाम्पल है तो आपने उसको भी लाजमी ट्राई करना है, इसमें जो मेन मेन इक्वेशन है वो यूज़ होगी, एक तो यही वाली है क्यू इक्वल एम जी डी ओवर वी और एक जो रेडियस वाली हमने इक्वेशन निकाली है वो यूज़ हो सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।